हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल डिमापुर बंगाली रिव्यूज और मेरा नाम है किश्वरता। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देखे तो समझ ही गए होंगे कि किस विषय में बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, ठीक है। जितना भी ट्रक्स है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट से सामान आता है, ज्यादातर आठ स्टेट में उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया है। तो ये किस लिए स्ट्राइक किया, मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। जो लोग भी नए हैं इस चैनल में, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बात करते हैं किस लिए ट्रक ड्राइवर्स लोगों ने स्ट्राइक किया। देखिए, बात ऐसा है, गवर्नमेंट ने आपका विंटर सेशन में एक बिल पास किया है जिसको कहता है हिट एंड रन केस, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले कोई गाड़ी अगर किसी को हिट एंड रन करके भाग जाती थी तो उसको अगर पकड़ा जाता वो, तो उसका ऊपर में कार्रवाई होके उसको खाली 2 साल का सजा होता था, ठीक है। लेकिन अभी उसको बढ़ा दिया गया है और साथ में जुर्माना भी लगाया गया है। तो अभी 2 सेक्शन ऐड किया गया है। एक तो हो गया कि अगर कोई अगर हिट एंड रन करता है, ठीक है, और वो मतलब वॉलंटरीली आके कॉन्फेस करता है पुलिस के पास या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, अगर कॉन्फेस करके वो अगर बोलता है कि उससे हिट एंड रन हो गया है, तो उसका सजा होगा 5 साल का जेल प्लस जुर्माना। और अगर कोई भाग जाता है हिट एंड रन करके, अगर अपना गिरफ्तारी छुपा के रखता है, तब उस केस में 10 साल का सजा प्लस जुर्माना। तो डिटेल्स में मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये किस लिए मतलब ये केस किया हुआ है, देखिए, पहला बात तो है कि गवर्नमेंट ने ये खाली ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर में नहीं किया या बस ड्राइवर्स के ऊपर में नहीं किया, ये एक स्कूटी के ऊपर भी लागू है। अगर आप स्कूटी चला रहा है तो आपके ऊपर भी ये लागू है। आप अगर कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है तो उसके ऊपर भी आपका लागू है। सब गाड़ी के ऊपर में ये लागू है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले तो लोग बच जाते थे, लेकिन हिट एंड रन करके भाग गया है और अपना गिरफ्तारी छुपा रहा है, ये बहुत ही बड़ा अपराध मतलब डिसाइड करके गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी ट्रक ड्राइवर्स लोग या बस ड्राइवर्स लोग, वो लोग सोचते हैं कि अगर वो लोग वॉलंटरीली सरेंडर करेंगे तो मॉब लिंचिंग का डर है, ठीक है। उन लोगों के ऊपर में मॉब लिंचिंग हो सकता है, मॉब लिंचिंग से उन लोगों का डेथ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, ज्यादातर ड्राइवर्स लोग फरार हो जाते हैं, ये ड्राइवर्स लोगों का बोलना है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये मतलब ये बिल जो है इसको वापिस लेना पड़ेगा, ये कानून जो है इसको रोल बैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए बड़ा बड़ा संगठन लोग, जितना भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कॉरपोरेशन है, वो सब जगह में मतलब स्ट्राइक कर रहा है। और अभी तक तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक जो हो रहा है वो जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्यों में, मध्य प्रदेश और भी राजस्थान भी है, और भी बहुत सारे राज्यों में ये लोग स्ट्राइक कर रहा है। तो इसका वजह से क्या हो गया, अभी सामान का शॉर्टेज शुरू हो गया। तो बहुत सारा स्टेट का जो मतलब बड़ा बड़ा एसोसिएशन लोग है, बहुत सारा स्टेट में, लगभग 8 स्टेट में जो है आपका स्ट्राइक कर रहा है। और स्ट्राइक की वजह से आपका जो सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहिए, जैसे आपका नागालैंड में बोलिए, दिमापुर में बोलिए, बहुत सारा सामान बाहर से आता है, वो सब गाड़ी जो है वो ठप पड़ा हुआ है, वो हिल ही नहीं रहा है। और बहुत सारा स्टेट में बस ड्राइवर लोगों ने भी स्ट्राइक कर दिया, काम में आने से मना कर दिया, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि ये कानून जो है उन लोगों का खिलाफ है, इसको रोल बैक करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये सारा मुद्दा है, लेकिन वो लोग ये नहीं जान रहे हैं कि गवर्नमेंट हिट एंड रन केस जो है पर्टिकुलरली उस बारे में ही गवर्नमेंट बात कर रहा है, या उसके ऊपर ही ये कानून लाया गया है। दूसरा कोई चीज के ऊपर तो कोई गवर्नमेंट का वो नहीं है। तो आपका क्या बोलना है, आप लोग गूगल करके सर्च करके देखिए इसके बारे में, आप लोग डिटेल्स भी जान पाएंगे। मैं अगर आप लोगों को डिटेल्स में बोलना चाहूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप लोग बोरिंग फील करेंगे। तो मैं शॉर्ट्स में बोलना चाहता हूँ कि ये हो गया स्थिति। तो आप लोगों का क्या बोलना है इस विषय में, आप लोग काइंडली कमेंट करके बताइए। आप लोगों का अगर कमेंट्स आएगा तो उसी हिसाब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छा अच्छा वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने का।
तो यही था आप लोग के लिए एक जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये चीज के वजह से बहुत सारा सामान का दाम बढ़ने वाला है अभी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये जानकारी, ये वीडियो? अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।